टोरेंट की वजह से हमारे बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है, और जब तक टोरेंट वाले आएंगे नहीं, हमसे बात नहीं करेंगे इस बारे में, तब तक जो है हम अपने बच्चे की तदफीन नहीं करेंगे। अगर एनसीपी ही एक पार्टी है जिसने टोरेंट को यहाँ पर लाया है, अगर टोरेंट पावर के ऊपर एक धब्बा लग जाता है कि टोरेंट पावर के होने के बावजूद वहाँ पर मौतें हो रही है, तो टोरेंट पावर को दूसरी जगह टेंडर नहीं मिलेगा। जब टोरेंट वालों को बुलाया जाएगा तो टोरेंट वाले नहीं आएंगे, उसकी जगह एनसीपी वाले आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपको जिस तरीके से पता है, पिछले हफ्ते एक बच्चे का शॉक लगने की वजह से जो है वो इंतकाल हो गया था, और उस वक्त जो है वो ये कहा गया था। मैं आपको थोड़ी सी कुछ उस वक्त पीछे लेके जाना चाहती हूँ। जब मुझे इस बारे में जो है वो आमिनाबाद से कॉल आया कि भाई ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, और सबको बहुत अच्छे से पता है कि मुस्लिम लीग जो है वो टोरेंट के मामले पर बहुत अच्छे अब जो है वो काम कर रही है, और कोई और पार्टी जो है वो काम नहीं कर रही है इस मामले पे। तो उन्होंने वहां से हमें फोन किया और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसा हादसा हुआ है, आप लोग आइए। उस वक्त मैं किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर थी, तो मैंने फौरन हमारे जो है मुस्लिम लीग के मुमरा अध्यक्ष जहांगीर भाई को मैंने कॉल लगाया। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो मौके पे ही मौजूद हूँ, मैं यहीं पर हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये बता रहे हैं कि भाई हम लोग वहां पर थे नहीं, हम लोग कहीं पे थे नहीं, तो ऐसी बात गलत है। दूसरे वीडियोस में भी आप जस्ट बिकॉज कि हमने बाइट नहीं दी या मैंने इनको जहां से मुझे कॉल आया था मैंने उनका नंबर दिया, मैंने घर घर वालों का इनको नंबर मैंने दिया था, और इनसे कहा था कि इनसे रब्ता कीजिए, 1-to-1 बात कीजिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी इनसे बात कीजिए करके। तो हम लोग रात में भी इनके साथ थे। दूसरे दिन मैं सुबह में जब मैंने सोचा कि चलो ताज़ियत के लिए मुझे जाना है वहाँ पर, तो मुझे सामने से वहाँ पर लोगों ने बोला, क्योंकि कुछ लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, या ये हमने नहीं, वहां से जब मैं उनकी ताज़ियत के लिए वहां पर गई थी तब उनकी फैमिली ने मुझे कहा था कि हम लोग जो है वो आपको हम लोग को जो है आपकी मदद चाहिए इसमें, टोरेंट के लिए आप लोग काम करते हैं बहुत अच्छा, टोरेंट की वजह से हमारे बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है, तो आप जो है वो इसमें हमारी मदद कीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो, उन्होंने ही कहा है कि हमने आइस पैक मंगाया, आइस पेटी मंगाई है, अब यहाँ पर हम लोग ये बच्चे को उसमें रखने वाले हैं, और जब तक टोरेंट वाले आएंगे नहीं और हमारी हमसे बात नहीं करेंगे इस बारे में, तब तक जो है हम अपने बच्चे की तदफीन नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये चीज़ें उनके पेरेंट्स से कन्फर्म कर सकते हैं। ये चीज उन्होंने हमसे कही थी, हमने जाके वहां नहीं डिक्लेयर किया था कि हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें भी इस बात की समझ है कि ऐसे नाजुक मामले पे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। लेकिन आपके ऊपर तो ये आरोप लगा था कि आप वहां पर पहुंची और राजनीति करना शुरू की कि डेड बॉडी को जो है टोरेंट ऑफिस के सामने रखकर आप विरोध प्रदर्शन। ये सारी चीजें जो है वो फैमिली ने कही थी, फैमिली ने हमसे कहा था कि आप जो है हमारे लिए बोलिए और आप हमारे लिए काम कीजिए। फैमिली ने कहा था कि हम आइस पेटी मंगाए हैं, हाँ हाँ बराबर, करेक्ट करेक्ट, ये करेक्ट करेक्ट, ये भी कहा था। अब जब ऐसा हुआ तो मैंने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं कि टोरेंट अधिकारियों को फोन करते हैं वहां पर। तो हम लोगों ने वहां पर टोरेंट अधिकारियों को फोन लगाया और मैंने कहा उनसे कि पेरेंट्स ऐसे कह रहे हैं, ये बात आप, मैंने अभी भी कहा आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं पेरेंट्स से जाकर, ये हमने नहीं कहा, वहां पर उनके भाई जो मौजूद थे उन्होंने भी ये चीज कही थी। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम टोरेंट ऑफिस के बाहर जब है ना बच्चे को लेकर जाएंगे और उनको आना ही पड़ेगा, इसके लिए बात करने के लिए आना। तो ये हमारी तरफ से जो लोगों ने निशाना साधा है कि भाई मुस्लिम लीग ने की है, तो ये सरासर गलत है, मैं इसकी निंदा करती हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ कि आपने इस, क्योंकि हम मुस्लिम लीग जो है वो सबके जज्बातों के साथ जुड़ी हुई है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ ऐसा हो। तो आप जो ये स्टेटमेंट दे रहे हो ये सरासर गलत है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, ये जो राजनीति जो बोल रहे हैं ना लोग कर रहे हैं, अब सुबह से मैं वहां पर सुबह 11:30 से मौजूद थी। अब ये जो लोग कह रहे हैं ना कि राजनीति कर रहे हैं, वो लोग पहुंचे दोपहर के बाद 3:30 के आसपास पहुंचे, ठीक है। जब हमने ये स्टेप ले लिया, जब हमने टोरेंट अधिकारी को फोन कर दिया, जब हमने सीनियर पीआई को इन्फॉर्म कर दिया कि सर यहाँ पर लॉ ऑर्डर की ना जो है कमी हो रही है, यहाँ पर लोग जो है वो क्रोधित है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आप प्लीज यहाँ पर आइए और इसको संभालिए, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो बहुत क्रोधित है और वो चाह रहे कि यहाँ से वहां पर जाएंगे। तो अब ये देखिए, सीनियर पीआई आ जाते हैं अपने वक्त पे, हमने उनको फोन किया, वो आ गए, उन्होंने लगातार टोरेंट वालों को फोन किया लेकिन टोरेंट वाले नहीं आए वहां पर। आप लोग सब उस वक्त मौजूद थे वाकये पे, ठीक है, लेकिन टोरेंट वाले नहीं आए, लेकिन क्योंकि मामला इस तरीके से जो एक दबाव बन गया था टोरेंट वालों पे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो टोरेंट ने जो है ना अपने एजेंट को वहां पर भेज दिया। जो एनसीपी वाले आए थे ना, ये अपने एजेंट थे। देखिए, हर बार मैंने आपको हमेशा बोला है
एनसीपी ही एक पार्टी है जिसने टोरेंट को यहाँ पर लाया है, ये मैंने आपको कहा सबूतों के साथ। फिर फडणवीस साहब ने भी कह दिया, फिर उसके बाद इनके जो माननीय सो कॉल्ड है उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ मैंने मांग की थी इस चीज की। अब जो है आपने ये भी साबित कर दिया, हमने तो साबित किया था कि आप जो है उनके एजेंट हो और आप उनके लिए काम करते हो। अब जो है आपने खुद ही सबूत दे दिया वहां पर कि जब टोरेंट वालों को बुलाया जाएगा तो टोरेंट वाले नहीं आएंगे, उसकी जगह एनसीपी वाले आएंगे। और जो भी है, क्योंकि देखिए हमारी मांग क्या थी, हमारी मांग ये थी कि बच्चे की तदफीन से पहले एटलीस्ट FIR हो जाए, क्योंकि FIR होना बहुत जरूरी है। आज जाके पूछो उनके माँ बाप से FIR हुई क्या, क्योंकि उनको ये मामला दबाना था, क्योंकि टोरेंट पावर ने और भी जगहों पर जो है ना अपने अपने टेंडर डाले। अगर टोरेंट पावर के ऊपर एक धब्बा लग जाता है कि टोरेंट पावर के होने के बावजूद वहां पर मौतें हो रही है, तो टोरेंट पावर को दूसरी जगह टेंडर नहीं मिलेगा। तो ये टोरेंट पावर का तो ऐसा कहना है कि उसमें टोरेंट पावर की गलती नहीं, वहां पर जो मस्जिद थी पता जा रहा है कि वहां वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से जो है वो गेट पे करंट उतरा। चोरी करने वाला बोलता है मैं चोर हूँ, वो बोलता है हाँ मैंने चोरी किया, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी जिम्मेदारी है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था ना। आपने क्या बोला कि आपने ना इन्वेस्टिगेशन किया ना FIR लिया, आप 2 महीने बाद बोलोगे कि हाँ हम FIR करेंगे, हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अरे इससे साबित होता है भाई कि आप किसको बचाना चाह रहे हो, ये साबित कर रहा है इस चीज को कि ये जो NCP वाले आए थे, ये जो टोरेंट के एजेंट आए थे, इन्होंने क्या किया, 6 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम दिखा के ऐसा जाहिर कर दिया कि भाई अब क्या है, इनको लगा कि हम 6 लाख दे देंगे, सब जगह ये बात फैल जाएगी कि 6 लाख रुपए बच्चे को मिल गए, बच्चे की फैमिली को मिल गए, तो बात यहीं पर लग जाएगी। लेकिन असल चीज क्या थी, FIR होना, FIR हुई, आज तक वो मुजरिम पकड़ा गया, क्या वो मस्जिद वाले थे या वो टोरेंट, कोई टोरेंट वाले थे, लेकिन हादसा किसकी वजह से हुआ, टोरेंट। अगर आप बोलते हो मस्जिद दरवाजा, ये जो मस्जिद है, मस्जिद के गेट के बाहर वायर था, बच्चा मरा, बच्चे को जो हादसा हुआ वो गेट के बाहर हुआ, वायर बाहर खुला पड़ा हुआ था, तो ये जिम्मेदारी टोरेंट की होती है। अगर मस्जिद के अंदर होता तो मैं एक बार बोलती थी कि हाँ ठीक है, मस्जिद की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है इस चीज को लेकर। एनसीपी का साफ तौर पर कहना है कि उन लोगों ने पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपए देकर उनकी मदद की है। मुस्लिम लीग पार्टी क्या कर रही है, किस तरह से मदद कर रही है? देखिए एक मिनट, हम लोग ने क्या सोचा है, हम लोग ने उसी वक्त उनसे बात करी थी इस बारे में कि आप लोग, और उनसे परमिशन लेके हमने बात की थी कि अगर आप लोग बोलते हो तो हम लोग आगे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला था। हम लोगों ने जो क्लेम होता है शॉक लगने की वजह से जो सरकार देती है, जो मरने वाले का या उनकी फैमिली का हक होता है, इन्होंने तो एहसान किया 6 लाख रुपए सब जगह बता के, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करते हो ना तो वो बंद मुट्ठी करते हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा करते हो। एक मिनट, जब आप कोई ऐसा काम करते हो तो दूसरों को बोलते ना, जब सीधे हाथ से तो उल्टे आपको पता ना चले, ऐसा काम करो। अगर आपको किसी को देने की नियत हो, आपको पब्लिसिटी की नियत होती है ना, तो आप रिपोर्टर्स को लेकर जाओगे वहां पर और फैमिली को बिठा के बात करोगे और दूसरों को बोलने भी लगाओगे कि हमने 6 लाख रुपए दिए। पावर कंपनी से क्या मुआवजा दिलाएगी, इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी, वो बताइए। आज भी मैंने कहा है, आज भी अगर उनके पेरेंट्स, अगर आप मुझे बोलते हैं कि हमारा FIR नहीं हुआ है, आप हमारी मदद कीजिए, आज भी मैं उस परिवार के साथ खड़ी हूँ। क्योंकि उस वक्त उन्होंने जो है उनके कोई चाचा थे एडवोकेट, उन्होंने जो है वो बहुत चीजों को पलट दिया उस वक्त जाकर, तो उन्होंने अपनी अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी कि मैं करूंगा। तो क्योंकि सरकार, मैं आपको स्कीम बताती क्या होता है, जब वो सरकार की तरफ से अगर देने की बात होती है ना, तो ऑन द स्पॉट जब इंतकाल हुआ, जब कोई मर गया, उस वक्त जो है ना 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो उसमें से 20,000 रुपए जो आपको ऑन द स्पॉट देना पड़ता है, यानी जिस भी कंपनी या जिस भी किसी की वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये हुआ है, उसको ऑन द स्पॉट आपको 20,000 देना है। उसके बाद वो जो ADR रिपोर्ट लगती है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन होता है, वो सारी चीजों के बाद, वो पूरी रिपोर्ट जमा होने के बाद, FIR वगैरह लगने के बाद, आपको जो है वो बाकी के 3,80,000 रुपए जो है वो मिलते हैं। तो आज भी अगर फैमिली मुझे बोलती है, मैंने कहा है जैसे ऑन कैमरा भी बोल रही हूँ, वो मुझे बोलती है, मैं आज भी उनके साथ FIR लेकिन आपने उसके ऊपर क्या फॉलो अप लिया, जब 2,000 देना, 20,000 देना, उसके ऊपर आपने कुछ अपने इससे करना चाहिए था। एनसीपी पार्टी मुमरा शहर के अंदर कैपेबल है, इतना फाइनेंशियली उन्होंने इतना मदद की है, तो उसपे लोगों का एतराज क्यों है? मतलब क्या उन्होंने ये बोला है कि टोरेंट दे या ना दे, हमने हमारे तरफ से दिया, वो पूरा क्यों लग रहा है? वो अपनी अपनी गलतियों को पहले से जिस तरीके से वो ढाकते ना, कपड़ा ढाकते ये छुपाते, आज भी उन्होंने बस वो लिपापोती की है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, हाँ क्या बनता था, मैंने बोला ना उन्होंने एहसान दे दिया उनके ऊपर एक एहसान डाल दिया। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसी ही बात थी, इससे पहले पिछले साल की बात है, यहीं पतंजवर नगर पे एक और बच्चा शॉक, एक और आदमी जो वो शॉक की वजह से मरा था,
सुपोन हाइट्स में खुद टोरेंट का एक कर्मचारी था, वो भी शॉक की वजह से मरा था। तो वहां पर कंपेंसेशन क्यों नहीं दिया गया, वहां पर ये एनसीपी वाले क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि ये मौके पर मुस्लिम लीग ने पूरा दबाव बना चुकी थी, पूरा दबाव बना चुकी थी कि आप जो है वो टोरेंट की वजह से जो है उनको टोरेंट की वजह से हुआ है और उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा और टोरेंट गलत में आएगी, फॉल्ट में आएगी। तो उनकी फॉल्ट को छुपाने के लिए एनसीपी ने ये काम किया। जो बच्चा था 12 साल जी, क्या जिस दिन ये पूरे विवाद हुआ वहां पर जी बॉडी को ले जाने के लिए रख लिए, उस दिन के बाद से क्या वो फैमिली आपके टच में नहीं है? उस दिन के बाद से दो बार मुझे कॉल पर बात हुई उनसे और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि फरहत देखो मुझे भरोसा नहीं है, पता नहीं है टोरेंट वाले कंपेंसेशन देंगे नहीं देंगे, मुझे कॉल आया था उसका जो भाई है उन्होंने मुझे कॉल किया था, उन्होंने मुझे खुद कहा था कि होगा नहीं होगा। तो मैंने बोला देखो कुछ भी हो जाए हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, कभी भी जरूरत है कि आप मुझे बेझिझक फोन कर सकते हो। उनके घर में खुद एजुकेटेड है, वो सारी चीजों को जानता है, कानून उसके पूरे नहीं। देखो ऐसा है ना कि अगर एडवोकेट होता तो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी पॉलिटिशियन की मदद की ऐसी जरूरत होती, वो अपनी कैपेबिलिटी के सारे जो है ना वो लड़ सकता था, लेकिन वो किसी पॉलिटिक्स को जो यूज किया। इस वक्त ये बात भी पूरी बात पार्टी के लोग मौजूद थे, लेकिन जब पैसा देने के लिए वहाँ पे गए समाजवादी के एक पदाधिकारी को लेके आप उनको कॉल आया था कैसे? नहीं हम लोगों को किसी, क्योंकि जब बात हुई थी तब सारी राजनीतिक पार्टियां उस वक्त मौजूद थी, तब हमने ये कहा था कि टोरेंट वाले से बात होगी और कंपेंसेशन टोरेंट वाले देंगे। अभी ये कंपेंसेशन किसने दिया? एनसीपी ने दिया, टोरेंट के एजेंट ने दिया है इसलिए, ठीक है। और कल को अगर ये ऐसा कुछ होता ना तो ये हम लोग बिल्कुल हम इस बारे में बात कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में भी ना मैं पर्सनली फॉलो अप लूंगी इस चीज का। समाजवादी को ले जाते थे क्या होता? अब वो उनका कुछ पर्सनल रिलेशन होगा, वो मुझे नहीं पता क्या है उसके, लेकिन हम क्योंकि उनको भी पता है ना कि मुस्लिम लीग जो है ना वो कभी भी झूठों के साथ या गलत के साथ नहीं खड़े रहती है, तो वो हमको उस चीज के लिए नहीं बुलाएंगे, वो उनकी आपस की राजनीति क्या है वो जाने, मुझे नहीं पता किस लिए लेके जाएंगे। एक और बात मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे शहर का मामला है और मेरे शहर के लोग चाहे वो कोई भी हो, अल्लाह ना करे, और मैं कहूँगी लाख दफा अल्लाह ना करे, अगर कल को अल्लाह ना करे शमीम खान या कोई और भी हो या मैं हूँ या मेरे घर वाले या किसी को भी है, अगर कल को ऐसा कोई हादसा होता है तो फरिश्ते मौके पे खड़े और मुस्लिम लीग तो सबसे पहले वहां पर जाके खड़ी होगी। और शमीम खान साहब ऐसा बोल रहे हैं ना, भले से वो 500 करोड़ के मालिक है, लेकिन कल को उनके साथ भी अल्लाह ना करे ऐसा कोई हादसा होता था ना, तो फरिश्ते मुस्लिम लीग तो खड़ी होती थी, साथ साथ फरज शेख भी खड़ी होती थी, क्योंकि फरज शेख सबसे पहले यहाँ की शहरी है, यहाँ की बच्ची है, यहाँ की पैदा हुई है, उनकी छोटी बहन है और वो यहाँ पर आके रह रहे, तो हम लोग रहवासी है एक ही शहर के, तो इंशाल्लाह मैं उनके साथ भी खड़ी रहती थी। तो ये आप बोलिएगा मत कि आपने राजनीति की, आपने ये किया, आपने वो किया, हमने ये नहीं किया, हम सिर्फ अपने शहर के लोगों के लिए खड़े थे वहां पर जाकर। उमरा के अंदर मुस्लिम लीग उस परिवार को फाइनेंशियली क्या मदद करना चाहती? देखो कैसे है ना, हम लोग इंशाल्लाह सरकारी तौर पे जो काम होते हैं सबसे पहले FIR का हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर FIR हो, FIR होने के बाद जो प्रोसेस होता है हम लोग करेंगे और इंशाल्लाह उनको कंपेंसेशन दिलाने के लिए मांग करेंगे।